नहीं कि टी पिन कैसे जनरेट किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टी पिन की कब आवश्यकता पड़ती है, जब किसी भी कंपनी का आप शेयर जो है बाय करते हैं और सेल करते हैं, सेम डेज बाय करते हैं और सेम डेज आप सेल करते हैं, तब आपको टी पिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर को बाय करते हैं, उसे होल्ड पर कर देते हैं, तब आपका जो है पोर्टफोलियो में आपका शेयर जो है शो होने लगता है, तब आप शेयर को जो है सेल करते हैं, तब आपको जो है टी पिन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कहने का ये मतलब है कि कुछ दिन शेयर आप रख लिए और रखने के बाद कुछ दिन कुछ महीने के बाद अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको टी पिन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में टी पिन कैसे जनरेट किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आप कोई भी एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करते हैं, नो मैटर है, किसी भी एप्लीकेशन का आप टी पिन जनरेट कर सकते हैं, यही सेम प्रोसेस है। बस आपको जो है डीमैट अकाउंट का जो है नंबर जो है वो आपको अलग अलग किसी भी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, जिस एप्लीकेशन से आप ट्रेडिंग करते हैं। तो हम करते हैं ग्रो एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे चलिए हम आपको कौन सा वेबसाइट पे आना है, तो यहाँ पे देखिए cdslindia.com पे आपको आ जाना है। तो इस पेज को ऊपर करेंगे, यहाँ पे देखिए EDIS लिखा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पे इस पेज को आपको ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू जनरेट टी पिन फॉर DIS ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो इस पेज का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, BOID आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा और यहाँ पे इंटर पेन नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा। अगर आप BOID नहीं जानते हैं क्या होता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे कि हम ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे चलिए हम ग्रो एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद आप प्रोफाइल में आएंगे। प्रोफाइल में आने के बाद अकाउंट डिटेल्स में जब आएंगे, अकाउंट डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पे BOID आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डीमैट अकाउंट नंबर जो होता है BOID नंबर होता है। आप किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा। प्रोफाइल ऑप्शन में जाएंगे तो हम यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन के में बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डीमैट अकाउंट नंबर है और BOID यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे BOID नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, वो आईडी नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे और यहाँ पे इंटर पेन नंबर यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे OTP इज सेंट, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेजा गया और ईमेल आईडी पे भी भेजा गया है। OTP इंटर करने के बाद चलिए हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए थैंक यू योर TPIN इज जनरेट सक्सेसफुल एंड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। यानी कि यहाँ पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर का लास्ट का 3 अंक दिया गया है, इसी मोबाइल नंबर पे आपको भेजा गया और यहाँ पे ईमेल आईडी पे भी भेज दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए मेरे मैसेज में आ चुका है TPIN जनरेट हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है देखिए जनरेट TPIN कोड यहाँ पे आपको बताया गया है। तो चलिए इसको चेंज कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम आपको ये भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद फिर उसी वेबसाइट पे हम जाएंगे, EDIS पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस पेज को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू चेंज TPIN फॉर EDIS ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज TPIN लिखा हुआ है, तो इस पेज को ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे BOID यहाँ पे इंटर करेंगे जो मैं आपको बताया, और फिर से यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर से OTP मंगा जाएगा, तो OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। में देखिए कुछ इस तरह का पेज सामने में आएगा,
तो ओटीपी देने के बाद यहाँ पे आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे कोई भी 6 अंक यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। टीपिन जो है 6 अंक का होता है और कन्फर्म टीपिन जो है जो आप यहाँ पे न्यू टीपिन में डालेंगे वही कन्फर्म टीपिन में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टीपिन अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसी तरह से टीपिन को जनरेट भी कर सकते हैं और टीपिन को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताया ग्रो एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पे आप जो है कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।